तो चलिए दोस्तों, आज एक मैं रियल बात आपको बता रहा हूँ। हमारे बाबूजी 85 साल के हो गए हैं, मम्मी भी 80 साल की हो गई हैं, लेकिन हमारी आँखें जितना दूर काम नहीं कर पाती है उससे ज़्यादा वो लोग देख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये लोग जो पुरानी चीज़ खाए हैं अपने तरीके से, वो बहुत ही लाभदायक होती थी। तो हमारे बाबूजी को आंवला का कोई भी सामान आप बनाइए, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं आंवले का मुरब्बा बनाना। तो आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए हम आंवला ले लिए हैं। आंवला को हम बढ़िया से धो लिए हैं और इसको कपड़े से एकदम साफ कर दिए हैं, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। तो ये देखिए, हम बिल्कुल ही हमारा आंवला सूखा सूखा है और ये हमारे पड़ोसी के पेड़ पे है, लेकिन इसका हम क्लिप नहीं दिखा पाए। वो आपको पेड़ हम दिखा देंगे जब टाइम मिलेगा, तो क्योंकि हमें ये मुरब्बा बनाना जल्दी था तो हम इसको तोड़ लाए हैं और ये लगभग 1 किलो के करीब है। तो अब चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने का सबसे पहला स्टेप। तो हम इससे पहले मुरब्बा अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं तो उसको चाकू से काट रखे हैं, लेकिन इस बार हम इस फोक से ही छेदेंगे। थोड़ा टाइम लगता है छेदने में, लेकिन बनता मुरब्बा बहुत चप 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 करता है, एकदम इसमें जूसी हो जाता है। तो देखिए, यहीं से हम शुरू करेंगे इसको। आप ऐसा अपने हिसाब से करें और बीच तक इसको अंदर तक घुसाना है, जहाँ तक इसका, देखिए इसमें से हम निकाल रहे हैं तो जूस टपक रहा है इसमें से, ये देखिए। तो इसे हमें चारों तरफ बढ़िया से अंदर तक फोक लगाना है, और आपको अगर फोक नहीं लगाना है तो हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड है जिससे मैंने चाकू से काट के बनाया है और गुड़ का बनाया है। ये हम चीनी का बनाएंगे और फोक से बना रहे हैं। तो इसी तरह से हम छेद छेद देंगे बढ़िया से। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर टाइम लगता है तो बहुत टेस्टी भी आंवला का आपको मुरब्बा खाने को मिलेगा। तो इसी तरह हम सारा आंवले को छेद कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हम आंवले को बढ़िया तरीके से छेद कर दिए हैं। अब चलते हैं चूल्हा जलाने। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी ले लेते हैं। चूल्हा जला देते हैं। इसी पे हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं जिसमें हम आंवला को भाफेंगे। इसमें 2 कटोरी हम पानी डाल देंगे, या आप इतना पानी डालें जिससे आंवला बढ़िया सा डूब जाए। तो अभी हमें इसमें आंवला नहीं डालना है, इसमें पानी को गर्म कर देना है, बढ़िया से पानी को खौलाना है। तो पानी को खौला देते हैं। ये देखिए, हम पानी गर्म करने के लिए रखे थे, उसमें उबाल आ गया है, तो इसी में डाल देंगे आंवले को। अब सारे आंवले को हम डाल देंगे। इसे हमें उबालना नहीं है, ये गर्म पानी में डाल रहे हैं, बस इसे हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना है। अब इसको हमें ढक देना है और 2 मिनट मात्र अब चूल्हा जलाना है, ज़्यादा नहीं। इसको ढक देंगे हम। तो ये देखिए, आंवला डालने के बाद ये 2 मिनट और इसको हम पानी में रख दिए हैं, मैंने आज जला के रखे हैं। अब हमें करना क्या है, अब चूल्हा पर से कढ़ाई को हटा देना है और इसको 1 घंटा तक हम गर्म पानी में रखेंगे। उसके बाद हमारा आंवला मुरब्बे के लिए तैयार हो जाएगा। तो कढ़ाई में आंवले को रखे हुए 1 घंटा हो गया है, अब इसका ढक्कन हटा देते हैं। आंवले को देख रहे हैं किस तरह से बिल्कुल ही लाइट कलर पे हो गया है, तो इसको स्टेन कर देते हैं। चूल्हा हमारा बुझ गया था, अब दोबारा जला देते हैं। चूल्हा जल गया हमारा, अब
कढ़ाई बैठा देते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है तो इसी में आंवला डाल देते हैं। आज चूल्हे का धीरे रखेंगे और जितना हम आंवला लिए थे उतना ही हम चीनी डाल देंगे। यहीं पर 4-5 इलायची को हम दरदरा कूट दिए हैं उसको भी डाल देते हैं। ये अपने आप इसमें से पानी छोड़ के, पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप पानी इसमें से आंवला में से छोड़ेगा और चीनी गलेगी और इसी से हमें पकाना है। आँच हम तेज नहीं रखेंगे और इसे कम से कम हम अभी फिलहाल 10 मिनट इसको पकाते हैं। तो इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। अगर आप पानी इसमें नहीं डालते हैं तो आंच तो बिल्कुल धीरे रखना पड़ेगा और बराबर एकदम चलाते रहना पड़ेगा। तो इसको चीनी को ना जलने के लिए हम इसमें पानी डाल देते हैं कि आप चलाएं ना चलाएं, थोड़ी देर के बाद भी चलाएं तो कोई बात नहीं है और इससे चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। इसको लो टू मीडियम गैस पे हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे और बीच बीच में हम देखते रहेंगे, चलाते रहेंगे। इसको हम ढक देते हैं, गैस तेज ना करें। तो ये देखिए हमें 4-5 मिनट पकाते हुए हो गया, चीनी थोड़ा सा बचा हुआ है मेल्ट होने को, बाकी चीनी मेल्ट हो गया है। अब ऐसे ही हम लो टू मीडियम गैस पे इसको और 10 मिनट पकाएंगे। दोबारा इसको ढक देते हैं और 10 मिनट के बाद फिर आपको हम दिखाएंगे। आंच ऐसे ही धीरे ही जलाएंगे लो टू मीडियम। और जो हमने आंवला उबाल रखा था तो उसका जो पानी बचा हुआ है तो इसको हम ठंडा कर देंगे और जब भी आप नहाएं तो इसको बालों में यूज कर सकते हैं। बालों में बहुत बढ़िया शाइनिंग आता है इस आंवले से, तो आंवले का पानी बहुत उपयोगी है, इसको फेंके नहीं, यूज करें इसका। दस मिनट हमने आंवले को पका लिया है, अब 5-7 मिनट और पकाएंगे। चाशनी चिपचिपी हुई है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी जो हमारी चाशनी बनी है ये चिपचिपी हुई है, हमें 2 तार की चाशनी बनानी है, मतलब 1 तार से भी ज़्यादा। इस वजह से कि जब हम इसको उतार कर रखेंगे तो थोड़ा सा पानी रिलीज कर देता है आंवला और छोड़ देता है, तो 1 तार का जब हो जाता है। जो बाजार में आंवले का मुरब्बा मिलता है वो बिल्कुल एकदम सफ़ेद मिलता है, तो उसमें फिटकरी डाला होता है और नहीं तो हाइड्रो डाला होता है। अगर आपको डालना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 चिटकी के करीब इतना फिटकरी या उतना हाइड्रो आप डाल सकते हैं। लेकिन जब हम देसी तरीके से बना रहे हैं, इसमें कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्यों डालें? हमें तो घर में खाना है, हमें बेचना तो है नहीं, तो आप मेरे तरीके से बनाएं देसी तरीका से। तो ये देखिए इसको 20 मिनट करीब करीब पकाते हो गया है हमें और इसमें तार वाली ये चाशनी बन चुकी है। ये देखिए इसमें तार बन रहा है, देख रहे हैं ना, ये तार बन रहा है, ध्यान से देख सकते हैं आप, तार बन रहा है इसमें। तो अब इसको हम उतार देंगे। अब आपको हम दिखाते हैं कि आंवला कितना पका है और कितना जूसी है। ये देखिए आंवला हम एक प्लेट में रख देते हैं यहाँ पे, इसको दबा के दिखाते हैं क्योंकि गर्म है, नहीं तो मैं हाथ से दिखाता आपको। ये देख लीजिए इसमें बिल्कुल जूस से, ये देखिए जूस एकदम पूरा जूस से भरा पड़ा है ये, और ये बढ़िया से पक भी गया है। इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है ना पकने का, 20 मिनट से पका रहे हैं। तो इसको हम पहले हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसको किसी कंटेनर में, शीशे का कंटेनर में या स्टील का कोई बर्तन हो आपके पास तो उसमें रख दें। ये 2-4 दिन के बाद क्या होता है कि इसमें से आंवला और पानी रिलीज करता है, छोड़ता है। तो अगर लगे कि आपको कि ज़्यादा आंवला, आपने ज़्यादा आंवले का मुरब्बा बना दिया और लगे आपको कि ये तो पानी पानी हो गया है, तो फिर आप दोबारा चूल्हे पर रख के, कढ़ाई में डाल के चूल्हे पर रख के आप इसको और पका सकते हैं। हम एक बर्तन में निकाल देते हैं, देख सकते हैं कितना मज़ेदार, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ये। अगर हमारा ये आंवले का मुरब्बा का रेसिपी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, बहुत हेल्दी
है सबके लिए, बच्चों बड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। और हमें आपके लिए कौन कौन सी रेसिपी बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। अब आपको खा के दिखाते हैं कितना बढ़िया मुरब्बा बना है, एकदम जूस से बिल्कुल। ये देखिए कितना जूस इसमें भरा पड़ा है, देखिए ये हाथ बहुत जल रहा है क्योंकि गर्म है। जो आप लोग बोलते हैं ना कि कसापन होता है, कसापन बिल्कुल ही नहीं है। चीनी अगर कम हो तो आप इसमें चीनी दोबारा डाल के जब भी आप दोबारा गर्म करें तो चीनी डाल सकते हैं, वैसे जितना आंवला हो उतना चीनी डालें।